कि नहीं दस भरा थोड़ा है मैं दसो भारतीय फोटो कटिंग पर तू ही पहले एक गल बोलना नहीं इसकी रोबने मार। हां जी तू मेरी फोटो पानी के ना ऊन पानी ठीक है जे नहीं पाई तो मैं भैन चा तेरा कदी भरा नहीं दिता ठीक है चलते जिया चलना नहीं करी अच्छा मेरी सुन ला। हाँ जी हेलो तू फोटो कट कल फोटो ओरी पानी तुहाड़ी फोटो पी जानी मेरे कन्ना जी खचोईया पुरानी जी रखोईया ना ओरी पानी पर इसके समझाए दो एक बार अपने लफ्जा च मैं समझाई क्या है। हाँ जी झूठ मैं दिल्ली रहना मैं दिल्ली रहना कोई गल नहीं आज कोई मोस्ट वेलकम तालू मर्जी किल्ला या कबरे जे फोटो नहीं जो आती री कटी तो मैं पौले मार दे के बिजे बेटा बाद कोई गल नहीं अजब आती है फोटो पर इसकी समझा ना ने सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ आए। ये जो ऑडियो आपको वायरल हुआ मैंने भी ये सुना और सुनकर मुझे बड़ी शर्म आई कि एक कांग्रेस पार्टी के उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो कि ओबीसी का प्रदेश अध्यक्ष है वो इतनी गंदी गंदी गालियाँ और गंदी गंदी बातें जो है वो अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को बोल रहा है जिसे सुनकर बड़ी शर्मिंदगी हुई और आपके सामने हम यहाँ भी नहीं कर सकते कि क्या क्या उसने कितनी गंदी बातें बोली हैं। तो मैं एक कांग्रेस पार्टी के सिपाही होने के नाते मैं कांग्रेस पार्टी प्रदेशाध्यक्ष से ये निवेदन करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को जो है वो इस पद से हटाया जाए क्योंकि इस इन बातों से जो है वो कांग्रेस पार्टी को की साख गिरी है कांग्रेस पार्टी को इन बातों से धक्का पहुंचा है और इस व्यक्ति को जो है वो जल्दी से जल्दी अतिशीघ्र इसके पद से हटाया जाए क्योंकि ये व्यक्ति जो है वो पहले भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कार्य करता रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ये कार्य करता है और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो है वो ये कार्य करता है कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाता है। तो हमारी मैंने पहले भी हमने ब्लॉक कांग्रेस पार्टी ने 2 साल पहले एक रेजोल्यूशन मूव किया था आदरणीय राठौर जी को लेकिन उसके ऊपर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं एक बार फिर उनसे निवेदन करूँगा कि इस व्यक्ति के खिलाफ शीघ्र अतिशीघ्र एक्शन लिया जाए और इसको इस पद से हटाया जाए ताकि कांग्रेस पार्टी का जो अपना वर्चस्व है उसको कोई धक्का ना लगे और कांग्रेस पार्टी की साख जो है वो बची रहे ऐसे लोगों से जो कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है। देखिए मैंने भी ये जो ऑडियो जो सोशल मीडिया पर आपको सुना था और मुझे भी बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि हमारी पार्टी के एक पदाधिकारी जो कि प्रदेश में एक अपने ओबीसी विभाग के उच्च पद पर सीनियर प्रदेशाध्यक्ष हो और उनकी जो सोच उनकी मानसिकता को देखकर मुझे कांग्रेसी होने के नाते बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई।
और आज इसी संदर्भ में हमने ये प्रेस वार्ता रखी जिसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक कांग्रेस के महासचिव सुरेंद्र शिंदली हैं, साथ में हमारे यूथ के शशि चौधरी जी हैं, हमारे सेवा दल के डिस्ट्रिक्ट के सचिव जगदेव सिंह जी हैं और हमारे भाई अमित जी। तो हमने ये फैसला किया कि ये जो सोशल मीडिया पे ऑडियो वायरल हुई है इसमें कांग्रेस पार्टी को बहुत ही शर्मिंदगी उठानी पड़ी है और हम प्रदेश हाईकमान से ये मांग करते हैं कि इनके खिलाफ़ जो आप एक्शन लें। एक प्रदेश का अध्यक्ष जो है वो अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को इतनी गंदी भाषा में उनको गालियां दे रहा है जिसको मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता, और उस तरीके से उनको ट्रीट कर रहा है कि जैसे वो पता नहीं उसके खरीदे हुए कोई लोग हैं, उनको भी कोई ऐसे इस भाषा में वो जो वो बात नहीं करता है। तो हम इसके लिए इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जो आप सभी ने ये जो अभी वायरल हुआ आपने सभी ने सुना होगा, ये दिलावर सिंह छोटू हैं जो हमारे ओबीसी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, तो जिस हिसाब से जो इनके साथ लोग चलते हैं उनको इतने गंदे तरीके से गाली गलौज कर रहे हैं, जो दिन रात इनके साथ चल रहे हैं, इनका कुत्ता तक बोला जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे ओबीसी वर्ग के लोगों को काफ़ी ठेस पहुँची है और आने वाला समय जो विधानसभा के इलेक्शनों का, तो मैं पार्टी हाईकमान से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे ओबीसी अध्यक्ष को आप पद से हटाएं और इसकी जगह कोई अच्छे से किसी काबिल इंसान को ओबीसी का अध्यक्ष बनाएं। और दूसरा जो राज को वीडियो वायरल हुआ है वो ओबीसी प्रदेशाध्यक्ष है, तो इतनी बड़ी उपाधि है उसके पास कि पूरे देश में फैलती है चीज। तो रात को जो उसने गालियाँ दी हैं वो बातें जो है उसकी वो मीडिया के बीच तो सभी घूम रही हैं लेकिन किसी के सामने वो बोल नहीं सकता है। तो ऐसा होता मिलने के बावजूद उसको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और दूसरे जो लोग उसके साथ जुड़े हैं तो वर्कर हैं, एक सिपाही है वो कांग्रेस पार्टी की, तो उनको जिस तरीके से वो गालियाँ दे रहा है तो इस तरीके पार्टी के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का। तो ऐसे आदमी को उस पद पर ना रखा जाए। तो मैं श्री कुलदीप राठौर जी से अनुरोध करता हूँ कि वो ऐसे बंदे को इस पद पे हटा के दूसरे नए बड़े व्यक्ति को मौका दे जो अच्छा इस काम को कर सकता है।